दूर किसी विलेज में एक बच्चा रहा करता था जिसका नाम था एरिक। वहाँ के गांव वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे क्योंकि वो अलग था। उसके पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ थी जिसकी मदद से वो कभी कभी अनजाने में विदर स्केलेटन्स को समन कर पाता था। भले ही ये उसकी शक्तियाँ हों लेकिन गांव वाले उसे श्राप मानते थे और ये कहते थे कि एरिक ओवरवर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है, उसका असली घर नेदर में है। और फिर एक समय ऐसा आया जब सारे गांव वालों ने मिलकर एरिक को ज़बरदस्ती नेदर में धकेल दिया और वो पोर्टल भी तोड़ दिया ताकि वो कभी वापस ना आ सके। वहाँ एरिक बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे इस नर्क में भेज दिया गया। तभी उसे एक छोटा सा पिगलिन दिखता है जो कि एरिक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी ये खुशी देखकर एरिक भी अपना गम भूल गया। उस छोटे से पिगलिन का नाम था भोलू। भोलू उसे अपने घर चलने को कहता है और एरिक भी उसका बात मान लेता है। उस दिन के बाद से एरिक भोलू के साथ ही रहा करता था और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि पिगलिन्स ने भी उसे अपना लिया था। जब भी पिगलिन्स और विदर स्केलेटन्स के बीच में लड़ाई होता तो एरिक भी पिगलिन्स की मदद किया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने लाइफ से। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक दिन वो भोलू के साथ मस्ती मजाक कर रहा था तभी उसकी नज़र जाती है एक पिगलिन के ऊपर जो कि भाग रहा था, डर के भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक विदर स्केलेटन पड़ा था। भोलू, हमें उस पिगलिन की मदद करनी होगी। मैं उस हड्डी के कबाड़ को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम जल्दी से जाओ और बाकी पिगलिन्स को बुला कर लाओ। एरिक जाकर उस स्केलेटन को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ भोलू बाकी पिगलिन्स को सारी बातें बताता है। एरिक उस स्केलेटन को रोकने की कोशिश कर ही रहा था तभी वो स्केलेटन उसे पहचान लेता है और वो उसके सामने झुक जाता है। तभी वहाँ पर पिगलिन्स आ जाते हैं और ये देखकर वो कुछ और ही समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एरिक एक जासूस है जो कि उनके साथ रह रहा है ताकि वो इधर की इंफॉर्मेशन उधर पहुँचा सके। तब राजा बोलते हैं, हमारे ही साथ रहकर तुम हमें ही धोखा दे रहे थे। धोखेबाज सैनिकों, इसे यही के यही मार दिया जाए। नहीं महाराज, ये धोखेबाज नहीं है, मैं इसके साथ हमेशा रहता हूँ और ये मेरा दोस्त है, धोखेबाज नहीं महाराज। हट जाओ छोटे बच्चे, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। नहीं महाराज, ये बेकसूर है। जब वार्निंग देने के बाद भी भोलू नहीं हटता है तो तीर चला दिया जाता है। वो तीर एरिक को लगने ही वाला था लेकिन भोलू को लग जाता है। भोलू, ये क्या हो गया? भोलू, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भोलू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। भोलू, नहीं। मालिक, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। मालिक भाग जाइए, मालिक भाग जाइए। Oh,